Hello students, welcome in today's video. So today we are going to discuss the sprint race and it is the episode number 5. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 4 एपिसोड्स, आई होप आपने वो देख ही लिए होंगे और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. सो इसी तरह से आज हम एपिसोड नंबर 5 लेकर आए हैं विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है. सो आपको उसमें हेल्प मिलने वाली है और आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिकमेंड यू टू डाउनलोड द फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप from the Google Play Store or the given link in the description, or you can also connect with us via WhatsApp. Just type PINDIA and send us on 8006781759. So चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर. Here we have a first question on our screen is that Helfen test is used for. पूछा गया है कि Helfen test किसके लिए यूज होता है. So option A is detection of cottonseed oil, option B is detection of artificial invert sugar, option C is saponin or option D is tannin. So इसमें बोला गया है कि जो Helfen test है वो किसके लिए यूज होता है. देखिए इसमें कोई एक ऑप्शन तो सही होगा पर बाकी के 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे. So according to this the correct answer is that is detection of cottonseed oil as an adulterant. Yes, किसके लिए यूज होता है? कॉटन सीड ऑयल को डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है कि एडल्ट्रेंट तो नहीं है, एडल्ट्रेंट मतलब मिलावट, सब्स्टिट्यूट. ठीक है, याद रखिएगा. अब देखिए बाकी के 3 ऑप्शन क्या है. डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर, अब डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर को भी किसी टेस्ट से जरूर डिटेक्ट किया जाता होगा. वो टेस्ट है फी टेस्ट, याद रखिएगा. यस, फी टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं विद प्रोसीजर, डोंट वरी. फी टेस्ट, सेपोनिन, सेपो, देखिए कहीं ना कहीं वर्ड में ही सोप आ रहा है, तो जब इसको वाटर के साथ शेक करेंगे तो ये फॉर्म लाइक एक्शन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, टैनिन्स, टैनिन्स की बात करने वाले हैं. टैनिन्स के तो बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए यूज होता है. टैनिन्स के लिए यूज होता है. जिलेटिन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, वेनिलिन टेस्ट, तो सारी डिस्कस करने वाले हैं. चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ. डरना नहीं है, डटना है, डटकर सामना करना है हर क्वेश्चन का और यहां पर अपने नोट्स भी बनाते चलना है. ठीक है, आई होप एग्जाम भी आ गया है पर उसको डरना नहीं है, जितना आपसे हो रहा है उसको करते चलें, रिवाइज करते चलें. चलिए नाउ एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले फी टेस्ट की बात करें. देखिए फी टेस्ट इनवर्ट शुगर के लिए, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. कहां पर? हनी में. यस, फी टेस्ट कैन डिटेक्ट एडल्ट्रेशन ऑफ हनी with invert sugar, that is acid hydrolyzed sugar, and it actually detects the presence of HMF. याद रखिएगा HMF को detect करता है. क्या है HMF? That is hydroxy methyl furfural content in honey. देखिए HMF को detect करता है, invert sugar को detect करता है honey में. ठीक है, invert sugar has high MF, high HMF content, whereas honey has lesser HMF content. ठीक है, याद रखिएगा जो invert sugar होगी वो बहुत ज्यादा कंटेंट रखती है HMF का, जहां पर हनी हमारा कम कंटेंट करता है. फी टेस्ट क्लियर हो गया है. सेपोनिन्स का, सेपोनिन्स आर केमिकली कंपाउंड्स अबंडेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्रोड्यूस लाइक सोप लाइक फॉर्म एक्शन. ठीक है, जब उनको पानी के साथ शेक किया जाएगा. ठीक है, याद हो गया, क्लियर हो गया है. नाउ द क्लासिफिकेशन. देखिए टैनिन्स को पढ़ने से पहले यहां पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है टैनिन्स की क्लासिफिकेशन से भी. क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे, जितने भी केमिकल टेस्ट हैं. थोड़ा सा बड़ा होगा पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. चलिए नाउ पहला है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन. हाइड्रोलाइजेबल टैनिन क्यों बोला गया? बिकॉज दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइम क्विकली टू गिव गैलिक एसिड और लैजिक एसिड. ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोलाइज्ड कर दिया तो गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड मिला. बात को समझिएगा, गैलिक एसिड मिला और इलेजिक एसिड मिला, फिर गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड का फर्दर ड्राई डिस्टिलेशन किया. ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है, एंड अदर कंपाउंड, तो क्या होगा? ड्राई डिस्टिलेशन के बाद मिलेगा हमें पायरोगैलोल. ठीक है, याद रखिएगा ऑन ड्राई डिस्टिलेशन वी आर गोइंग टू गेट द पायरोगैलोल. सिंपल सी बात. नाउ एग्जांपल्स, गैलीटेनिन का होता है रूबार्ब, क्लोव, चेस्टनट, मैपल्स और गल्स. ठीक है, इलेजिटेनिन का होता है माइरोबालान, पोमग्रेनेट, बार्क, ओक. ठीक है,
याद रखिएगा। और जो जो ये कलर ऑन ट्रीटमेंट विद पायरोगेलोल FeCl3 को जब ट्रीट करेंगे तो ये ब्लू कलर देगा, ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल। नाउ सेकंड इज योर कंडेंस्ड टैनिन। कंडेंस्ड टैनिन क्यों बोला, derived from they are the pro anthocyanidin, या ये भी याद रखिएगा, and it is derived from the catechin flavin 3,4-diol, ठीक है। अब देखिए हमने hydrolyzable tannin में gallic acid, elagic acid का dry distillation किया, pyrogallol मिला, pyrogallol को हमने FeCl3 के साथ treat किया, हमें blue color मिला। यहाँ पर on treatment with acid or enzyme they are decompose into folbabins, ठीक है, this is the decompose, ठीक है। वहां पे पायरोगेलोल मिल रहा था, यहां पर हमें फोल्बाबिन्स मिला, ठीक है। और फोल्बाबिन्स का अब फिर फर्दर ड्राई डिस्टिलेशन किया तो हमें क्या मिला, कैटाकॉल मिला। यहां पर पायरोगेलोल मिल रहा था, याद रखिएगा, यहां पर पायरोगेलोल मिल रहा था, यहां पर कैटाकॉल, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिनेमन बार्क, सिंकोना, वाइल्ड चेरी, पेल कटैचू और ब्लैक कटैचू के एग्जाम्पल होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ On treatment with FeCl3, it gives the brown green color. बताइए क्लियर हुआ, वो कौन सा कलर दे रहा था, यहां पर दे रहा था ब्लू कलर, ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल कंडेंस्ड। नाउ द थर्ड वन इज सूडो टैनिन, ठीक है, फॉल्स टैनिन भी बोलते हैं, झूठा टैनिन, मतलब टैनिन की प्रॉपर्टी रखता है पर सूडो प्रॉपर्टी, ठीक है। लो मोलिकुलर वेट फिनोलिक कंपाउंड्स डू नॉट शो गोल्ड विटर स्किन टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूडो टैनिन टेस्ट, जो सूडो टैनिन है हमारा, वो गोल्ड विटर स्किन टेस्ट हमारा रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं मेरे स्क्रीन मेरे पीछे छिप जा रहा होगा। दिस इज द गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। दे अकर एज क्लोरोजेनिक एसिड इन कॉफी, नक्सवामिका इपिकैक्वेनिक एसिड इन इपिकैक एंड कैटेचिन इन कोकोआ, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब केमिकल टेस्ट, टैनिंस की केमिकल टेस्ट की बात करने वाले हैं, जितने सारे केमिकल टेस्ट हैं वो यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट की, ठीक है, याद रखिए। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्यों बोला, नाम पर ही पहुंच जाइए, गोल्ड बिटर स्किन यूज की हुई है तो इसलिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट बोला इसको, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। गोल्ड बिटर स्किन ली हमने, उसको 2% HCl में प्रीवियसली सोक करके रखा, ठीक है, फिर उसको डिस्टिल वाटर से वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको उसी स्किन को टैनिन सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए डाल दिया गया, फिर उसको वॉश किया अगेन डिस्टिल वाटर एंड फिर उसको 1% FeSO4 फेरस सल्फेट में डाल दिया, ठीक है। नाउ अब कलर चेंज होगा, देखिए चेंज इन कलर हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ब्राउन टू ब्लैक हो जाएगा उस स्किन का कलर, ब्राउन टू ब्लैक, ये हमारा रिजल्ट है, या तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि क्या रिजल्ट बनेगा, ठीक है, तो क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टैनिन, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहां पर लिखवा देता हूं, हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टैनिन बोथ गिव पॉजिटिव गोल्ड बिटर, वेयर एज सूडो टैनिन शो वेरी लिटिल और फॉल्स, ठीक है, बात ही कर दिया था, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। नाउ सेकेंड वन इज फेनाजोन टेस्ट, प्रोसीजर देख लेंगे, प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बस रेल्ट आप कलर देखेंगे, कलर, ठीक है। थर्ड वन इज योर जिलेटिन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट आप इसमें भी अगेन प्रोसीजर देख लेंगे, नाम जरूर याद रखें, जिलेटिन टेस्ट। नाउ द फोर्थ वन द टेस्ट फॉर कैटेचिन, जिसको बोलते हैं मैचस्टिक टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिप करते हैं एक मैचस्टिक इन द डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग, जो हमारा मेनली उसका डाइल्यूट बनाएंगे, कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन टाइप बनाएंगे, उसमें मैचस्टिक का जो माचिस की तिल्ली होती है उसको डिप कर दिया जाएगा और फिर उसको ड्राई किया जाएगा एंड उसको फिर मॉइस्ट किया जाएगा विद HCl, उस पर HCl डाला जाएगा, ठीक है, एंड फिर उसको क्या करेंगे, एक फ्लेम के पास लेकर जाएंगे। यस, ये हमारी मैजेस्टिक है, ठीक है, इसको हमने डिप करा, फिर इसको हमने वो किया, ये हमारी मैजेस्टिक हो गई, इस पर HCl डाला, HCl के बाद मेनली इसको फ्लेम के पास लेके गए, ठीक है। कैटेचिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस फ्लोरोग्लिसरॉल व्हिच स्टेन्स द लिग्निफाइड वुड पिंक टू रेड। देखिए अगेन मैंने बोला पिंक टू रेड, मतलब पिंक और रेड हो जाएगी, याद रखिएगा, मैचेस्टिक टेस्ट पिंक और रेड हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लोरोजेनिक एसिड, फिफ्थ वन, एंड द सिक्स्थ वन इज वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा, प्रोसीजर आपको याद रखना है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट का पूछा जाता है, यहां से तो केवल नाम से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज फिल्म फॉर्मर यूज्ड इन नेल लिकर इज,
ये आया आपका क्वेश्चन कॉस्मेटिक से, फॉर्मुलेशन से। देखिए हमने चार फॉर्मुलेशन तो पांच फॉर्मुलेशन तो पढ़नी ही पढ़नी है, एक वन वन पेजेस में आ जाएगा। एक तो हमारा नेल लिकर हो गया, सेकंड वन इज शैम्पू हो गया, शैम्पू की फॉर्मुलेशन, लिपस्टिक हो गया, तो ये दो से तीन, डेंट्री फ्राइसिस यस, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, डेंट्री फ्राइसिस भी आपको देखना है। एक क्वेश्चन आया था डेंट्री फ्राइसिस से, ठीक है। नाउ चलिए, इसमें बोला गया कि जो फिल्म फॉर्मर है जो यूज करते हैं नेल लिकर में, वो किससे बना होता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आया है, कॉस्मेटिक से, सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज योर नाइट्रोसेल्यूलोज। चलिए यहां पर अब पूरा नेल लिकर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनिक्योर प्रिपरेशन, मैनिक्योर भी बोलते हैं, और नेल ब्लीचेस, नेल लिकर, नेल इलेमन और इनेमल रिमूवर्स और नेल इलोंगेटर्स हम मेनली इसमें यूज करते हैं, ठीक है। वेरियस मैनिक्योर प्रिपरेशंस इंक्लूड दीज थिंग्स। नाउ चलिए आगे चलते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले जस्ट कीप इन दिस माइंड, जस्ट गेट कनेक्टेड विद अस वाया व्हाट्सएप, ओके। नाउ चलिए नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। पहले फिल्म फॉर्मर, फिल्म फॉर्मर का काम क्या होता है, यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द फिल्म, नाम से ही समझ रहे हैं। एग्जांपल पहला ही देखिए, सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटोब्यूटाइरेट, इथाइल सेलुलोज, मेथाक्राइलेट एंड विनाइल पॉलीमर्स, ठीक है। ये हमारा मेनली फिल्म फॉर्मर्स होते हैं, जो वहां से क्वेश्चन पूछा गया। सॉल्वेंट्स याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इज सो बैलेंस दैट प्रेसिपिटेशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इज प्रिवेंटेड, यहां पर प्रेसिपिटेशन रोकना है नाइट्रेट्स का, ठीक है। नाउ हाई बॉइलिंग, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, हाई बॉइलिंग, मीडियम बॉइलिंग एंड लो बॉइलिंग से, आपको तीनों के एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, हाई बॉइलिंग, मीडियम बॉइलिंग एंड लो बॉइलिंग, ठीक है। हाई बॉइलिंग में ब्यूटाइल लैक्टेट, इथाइल ऑक्सलेट एंड आइसो एमाइल एसीटेट, ठीक है। मीडियम में आइसोप्रोपाइल एसीटेट, टोल्यूइन आईपीए एमाइल फॉर्मेट एंड लो बॉइलिंग में ईथर, CS2, एसीटोन, मिथाइल एसीटेट, विथाइल एसीटेट, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ प्लास्टिसाइजर इम्पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। कलर मेनली इनसोल्यूबल अट्रैक्टिव बनाने के लिए, नेल लिकर, नेल आर्ट्स आजकल आ चुके हैं, आप जब देखते हैं तो बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं। नाउ पियरलेसेंट इम्पार्ट पियरली अपियरेंस, ऑब्वियसली बात है, स्किनी मतलब एक शाइनिंग टाइप का पियरली पियरलेसेंट देते हैं, ठीक है, उसका आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। टू अमीनो एंड सिक्स ऑक्सीप्यूरिन, क्रिस्टलाइन ग्वानीन, बिस्मत ऑक्सीक्लोराइड, कोटेड पिगमेंट्स, ठीक है, क्लियर हुआ। इनेमल रिमूवर, यस, नेल पेंट लगाने के बाद इनेमल को रिमूव करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ ये क्लियर हो गया है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एल्कलॉइड इज यूज्ड टू ट्रीट दी अमीबियसिस, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कलॉइड से क्वेश्चन पूछा गया है, फार्माकोग्नोसी से। एल्कलॉइड के मेनली यूज और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं हर सेशन में आपसे बात करता हूं कि ये वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको पूरी हाईलाइट देने वाले हैं सब्जेक्ट की, टॉपिक की, एंड आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम्स में। तो यहां पर पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा एल्कलॉइड हमारे अमीबियासिस को लिए यूज होता है, सो जल्दी जल्दी बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज योर इपीकैक। इपीकैक क्या है, इपीकैक के बारे में जानेंगे, इपीकैक कौन सा एल्कलॉइड है। अगर मैं बात करूं, देखिए इपीकैक हमारा आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड है, आइसोक्यूनोलिन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात थियोफाइलिन, थियोफाइलिन हमें कहां से मिलता है, थियोफाइलिन अब फार्माकोलॉजी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, यहां पर फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है, ठीक है। नाउ चलिए अब इपीकैक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इट इज एन आइसोक्यूनोलिन क्यूनोलिन एल्कलॉइड, सिनोनिम इपीकैकुआना, ब्राजीलियन और जोहर इपीकैक, इपीकैकुएनिक रूट, बायोलॉजिकल सोर्स है सिफेलिस इपीकैकुआना, रियो और ब्राजीलियन इपीकैक। फैमिली भी देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा, सिफेलिस एक्यूमिनेटा, ठीक है, इट शुड नॉट कंटेन अबाउट 2%। ईथर सॉल्युबल एल्कलॉइड्स कैलकुलेटेड एज एमिटिन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। दीज इंक्लूड्स एमिटिन, सिफेलिन, साइकोट्रिन एंड साइकोट्रिन मिथाइल ईथर, ठीक है। नाउ अब मैं बता रहा हूं यहां पर फिनोलिक और नॉन फिनोलिक आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। नॉन फिनोलिक और फिनोलिक एल्कलॉइड्स में याद रखिएगा, एमिटिन, साइकोट्रिन, मिथाइल ईथर आपका नॉन फिनोलिक है, और सिफेलिन और
साइक्रोट्रिन हमारा फिनोलिक है, ठीक है। देखिए सिफेलिन और साइक्रोट्रिन हमारा, साइक्रोट्रिन मिथाइल ईथर हमारा नॉन फिनोलिक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ अब इसका इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट को याद रखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं केमिकल टेस्ट में एक ये चीज याद रखिएगा, पहले मैं सेकंड वाला बताने वाला हूं। एमिटिन ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम मोलिब्डेट, फ्रॉड्स रिएजेंट बोलते हैं, वो वाला फ्रॉड नहीं बोल रहा हूं मैं, सोडियम मोलिब्डेट को हम फ्रॉड्स रिएजेंट बोलते हैं। एमराल्ड ग्रीन कलर देता है, एमराल्ड ग्रीन कलर। एक और ड्रग है जो एमराल्ड ग्रीन कलर देता है, यस कौन सा, सिनकोना, सिनकोना ठीक है, थैलियोक्विन टेस्ट होता है, सिनकोना थैलियोक्विन टेस्ट में एमराल्ड ग्रीन कलर मिलता है, नाम ये लिख लीजिएगा थैलियोक्विन टेस्ट, तो यहां पर हमें याद हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन जो टेस्ट है ये, यहां पर पाउडर ड्रग लिया 0.5 ग्राम HCl के साथ, वाटर के साथ ट्रीट किया, उसको फिल्टर किया, फिल्ट्रेट में पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंस आप चेक कर लेंगे, इफ एमिटिन इज प्रेजेंट अ येलो कलर डेवलप्स, अगर एमिटिन प्रेजेंट है तो येलो कलर हमें मिलने वाला है। नाउ क्वेश्चन कहां से उठा था, यूजेस से। चलिए यूजेस देख लेते हैं सारे। इपिकैक एज एन एमेटिक, यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट एंड डाइफोरेटिक, ट्रीटमेंट अमेबिक डिसेंट्री में यूज हो सकता है एंड हैज मोर एक्सपेक्टोरेंट। एमिटिन देखिए, एमिटिन जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी यूज का एक्सपेक्टोरेंट रहता है, ठीक है, सिफेलिन के कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट इज साइक्रोट्रिन एंड इट्स मिथाइल ईथर्स आर सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया है। चले आगे, बहुत आराम से पढ़ते चले, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। देखिए मैं अगर कोई भी आंसर आपको डिटेल में बता रहा हूं, डरना नहीं है, मेरा मेन पर्पज और हमारी टीम का मेन पर्पज यही रहता है आपको चीजें क्लियर हो, और आपको चीजें क्लियर होंगी तो आपके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाएगी, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन ऑफ अ बॉन्डेड सिस्टम रिजल्ट्स इन, कहां से आया है सबसे पहले ये भी देखना है, ये आया है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन ऑफ अ बॉन्डेड सिस्टम, जब एक्सटेंट कॉन्जुकेशन का कॉन्जुकेशन बढ़ जाएगा बॉन्डेड सिस्टम में तो क्या कौन किस तरीके का शिफ्ट आएगा, चार तरह की शिफ्ट है, ये क्लियर हो गया है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, चारों, ये चारों डाउट क्लियर कर देने वाला हूं, पर इसका आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा बैथो, ठीक है। नाउ चलिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, द शिफ्ट और ऑफ एब्जॉर्प्शन टू अ लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है, रेड शिफ्ट बोला गया। देखिए मतलब लॉन्गर वेवलेंथ, ये हमारा मेनली एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और यहां पर वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। नाउ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ये यूवी में कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, और IR में ट्रांसमिटेंस कहां पर होता है, वेव नंबर कहां होता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस कहां होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन ग्राफ से पूछ लिया जाता है। नाउ अब यहां पर बोला गया कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमारा हाइयर वेवलेंथ, यस, तो देखिए वेवलेंथ बढ़ रही है इधर को, यस बढ़ रही है, तो इसको हम रेड शिफ्ट बोला, ठीक है। अब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, देखिए ये ब्लू शिफ्ट, ठीक है, इट इज द शिफ्ट ऑफ अ पीक और सिग्नल शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ रहेगी याद रखिएगा, और ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, रेड शिफ्ट बैथोक्रोमिक हो गई, ब्लू हमारी हिप्सो हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, पानी कैसा होता है, ब्लू कलर का, बाथ, बाथरूम में गए रेड लाइट जला दी, बाथरूम रेड शिफ्ट, ठीक है। नाउ हाइपर हमारा ज्यादा हाइपरक्रोमिक होगा, एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी, और हाइपो होगा, हाइपोक्रोमिक होगा तो एब्जॉर्बेंस कम होगी, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ गए हैं, यहां पर अब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रोशेल शॉर्ट, देखिए फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है रोशेल शॉर्ट, केओलेन, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नाउ चलिए इसमें पूछा गया कि रोशेल शॉर्ट कौन सा है, दैट इज योर पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, यस पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट आपका आंसर होने वाला है रोशेल शॉर्ट का, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन सेज त्रिफला चूर्ण, अगेन फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन आया कि बोला गया कि जो त्रिफला चूर्ण होता है उसमें क्या क्या होता है, त्रिफला, त्रिफला से नाम समझ से, तीन तीन होंगे, फलामीज
फल, तीन फल होंगे वो कौन कौन से हैं? क्या आंवला, बहेदा और हरदे होता है? यस सर, ये तीनों ही होता है, इसीलिए बोला गया त्रिफला, तीन फल होने वाला। और याद रखिएगा ए बी एच, ठीक है, या बी एच ए, बाहा भी कर सकते हैं, त्रिफला इज बाहा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंडियन गूजबेरी बोलते हैं आंवला को, याद रखिएगा, एक बात बता दिया, सिनोनिम आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नाउ आपकी स्क्रीन पे कुछ आया होगा विद द नेम ऑफ फार्माप्रो। फार्माप्रो देखिए क्या है, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होने वाला है कि फार्माप्रो क्या है। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट बता दूं कि फार्माप्रो एक ऐसा कोर्स बनाया गया है जिसमें जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट एग्जाम का सारा क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मॉक पेपर्स विद दी ई नोट्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। यस चैंपियंस, सारे सब्जेक्ट्स के आपको ई नोट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं विद द वन ईयर वैलिडिटी। यस, और याद रखिएगा जो इसका प्राइस रखा गया है बहुत वेरी मिनिमल रखा गया है, 1600, पर टुडे इज द 26th January एंड अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है। यू कैन अप्लाई द कूपन कोड freedom60 और आपको इस पे 60% ऑफ मिल जाएगा। इस प्राइस पर भी मैं बात बोल रहा हूं, इस प्राइस पर भी आपको ऑफ मिल जाएगा। सो आई होप यू, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, वहां पर फ्री टेस्ट भी दिए गए हैं, फ्री सैंपल पीडीएफ भी दी गई है, आप पहले उसको जाकर देखें। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू CmCs कौन सा है? क्लियर करें, मैं बात कर रहा हूं कि टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट, वो टेम्परेचर जहां पर सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी इक्वल होगी सीएमसी के। सर ना तो मेरे को सर्फेक्टेंट पता क्या होता है ना सीएमसी पता क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कैसे। चलिए सर्फेक्टेंट, देखिए तीन वर्ड याद रखिएगा, मैं यहां पर सारी चीजें जहां से क्वेश्चन आता है मैं बताने वाला हूं। दो वर्ड तो आप याद ही रखिए, HLB और सर्फेक्टेंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? सर्फेक्टेंट का काम होता है टू रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन। क्लियर हो गया पहली बात, ठीक है। अब HLB क्या कहता है? HLB कहता है, मैं नेचर बताऊंगा सर्फेक्टेंट का, इट टेल्स द नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट, पहले HLB की वैल्यू, ठीक है, नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट, ये हमने एक दोनों के काम समझ लिए, ठीक है। अब जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है उसमें दोनों पोर्शन होते हैं, कौन कौन से पोर्शन होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक भी होता है और लिपोफिलिक भी। ये हाइड्रोफिलिक हो गया, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब वाटर लविंग, और लिपोफिलिक मतलब वाटर हेटिंग, लिपिड लविंग, लिपोफिलिक, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ अब ये क्या होगा, लेट सपोज अगर हाइड्रोफिलिक है, बात को समझिएगा, अगर हाइड्रोफिलिक है और मेरे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ये मैंने ऑयल मान लिया, ठीक है, और ये मेरा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है, ऑयल क्या है, लिपोफिलिक है, तो ये जो यहां पर ये एंड सी तो अटैच होगा, ये इस तरीके से अटैच होगा, ये इस तरीके से अटैच होगा, ये देखिए इस तरीके से एक स्फेरिकल जंजाल बना लेगा सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट इसको चारों तरफ से घेर लेगा, यस, ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ठीक है, ये सर्फेक्टेंट हो गया। अब देखिए, अब क्या बात बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि जिस कंसंट्रेशन पर ये, पहले तो ये माइसेल बन गया, ठीक है, जिस कंसंट्रेशन पर ये माइसेल बना, जिस सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ये माइसेल बना, उसको बोला हमने CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। और जिस टेम्परेचर पर बना उसको बोला हमने क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर बोला गया द टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द CMC, क्राफ्ट पॉइंट ही तो बोलेंगे, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल हो गया, आंसर ये है, ठीक है, आंसर मैंने बता दिया क्राफ्ट है। नाउ अब HLB देखिए, अब HLB क्या करता है, HLB ने बोला, HLB दिया गया था ग्रिफिन ने, याद रखिएगा, इट टेल्स अब बाय दी ग्रिफिन, 1949 में बताया था, एक स्केल है HLB वैल्यू की, एंटी फॉर्मिंग एजेंट, ओ बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई ओ, इमल्सिफाइंग, सोलिबलाइजिंग, इस तरीके की स्केल, वो आपको याद जरूर करनी है, क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, फिजिकल फार्मेसी का क्वेश्चन है ये। चले बहुत सिंपल, क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन ऑफ प्रोपेलेंट बुटेन इज, न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रोपेलेंट फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन है, ये एरोसोल में से, प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट ही एरोसोल की जान बोला गया, दिल बोला गया, क्यों, प्रोपेलेंट प्रेशर को मेंटेन करता है, प्रोवाइड कराता है एक ड्राइवन फोर्स, तभी तो जब हम डिओड्रेंट लगाते हैं, देखा ना डिओड्रेंट लगाते तो एकदम से मिस्ट फॉर्म में निकलता है बाहर, क्यों निकलता है, क्योंकि उसको क्या करता है, प्रोपेलेंट ही, प्रोपेलेंट बोलता है भाई ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम जाओ अब, प्रोपेलेंट बोलता है, ऑर्डर देता है नीचे से कंटेनर से कि तुम जाओ उसके डिप ट्यूब के थ्रू, डिप ट्यूब के थ्रू, मैंने क्या बोला, डिप ट्यूब, यस डिप ट्यूब, ये हमारा प्रोपेलेंट है ना, ये देखिए ये प्रोपेलेंट है, ये मैं अगेन बात कर रहा हूँ, ये प्रोपेलेंट है, तो ये पाइप है अंदर, ये डिप ट्यूब बोलते हैं इसको, इसका मटेरियल याद रखिएगा पॉलीप्रोपाइलीन डिप ट्यूब, ठीक है, अब यहां से हमने लगाया, यहां से हमने इसको प्रेस किया और बोला तो प्रोपेलेंट यहां से प्रोपेलेंट प्रेशर देगा, तो इस पाइप से ड्राइव इन से फोर्स से यहां से ऐसे जाएगा, ये मिस्ट फॉर्म से निकल जाएगा, बताइए क्लियर हुआ। अब देखिए प्रोपेलेंट को मेनली न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन दिया गया है, तो वो किस तरीके से दिया गया है, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस तरीके के आ जाएगा कि इसका इसका बताओ इसका नाम क्या है, तो हम यहां पर नाम ही सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कुछ रूल्स हैं 3 से 4 रूल्स, डरना नहीं है, सारी चीजें यहीं पर सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक बोला गया है इसको, चलिए क्लियर हो गया है। अब यहां पर बोला गया कि न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन बताना है ब्यूटेन का, सो अकॉर्डिंग टू दैट द करेक्ट आंसर इज A17, ठीक है, अब कैसे करते हैं वो बात करने वाले हैं, आपके सामने कुछ रूल्स हैं, कुछ मेरे पीछे छुप गया होगा, मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी, ऑल द फ्लोरिनेटेड प्रोपेलेंट्स आर आइडेंटिफाइड न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी प्रोपेलेंट्स हैं वो हमारे 3 डिजिट से डिनोट किए जा रहे हैं, पहला रूल लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन करूंगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। सेकंड बोला गया है, द फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट द वन लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड, C-1 याद रखिएगा, C-1 याद रखो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना, मैं बताऊंगा। सेकंड, द सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट द वन मोर देन द हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन से ज्यादा, H+1, चलो डिनोट कर दिया, और बाकी जो थर्ड डिजिट होगी वो हमारी फ्लोरीन एटम को डिनोट करेगी, और चौथा रूल जो सारी चीजें खाली रह जाएं वहां पर हम क्लोरीन लगा देंगे, ये 5वां रूल हो गया, ठीक है, क्लोरीन, सॉरी हाँ क्लोरीन, Cl लगा देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, 5 रूल्स क्लियर, चलें क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये रहा आपके सामने 1, 3, 4, पहले हम क्या करेंगे, पहले 1, 3, 4 है, यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा हमने, ठीक है, 1 को A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया, ठीक है, 3 डिजिट है ये, तो क्लियर हो गया। अब मैंने बोला था C-1 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस C-1, नंबर ऑफ कार्बन C-1, अब C-1 क्या है, देखिए हमें यहां पर कार्बन की जगह वो डिजिट लेकर आनी है जिसमें से माइनस करके 1 आ जाए, ये A है, ये A की बात कर रहे हैं, क्लियर करिएगा, समझिएगा, कार्बन की जगह वो डिजिट रखें कि हम 1 ले आए, क्या रख सकते हैं बताइए जल्दी जल्दी, हम रख सकते हैं 0, ठीक है, क्लियर हुआ, तो 1 ही तो है, नहीं फिर से गलती हो गई, फिर समझिए, फिर मैं ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, कार्बन की जगह वो रखें कि 1 आ जाए, अरे पागल बच्चों के आ, अगर यहां पर 2 रखा हमने तो -1 तो 1 ही तो आएगा, ये रिजल्ट ये लेकर आना है हमें, और ये ऐसी वैल्यू पुट करनी है कार्बन की जगह, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही H+1 मतलब ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा 3 आ जाए, 1 के साथ क्या प्लस करें, 1 के साथ क्या प्लस करें कि हमारा 3 आ जाए, 2 आएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, और 4 जो हमारा डिजिट कर रहा है वो फ्लोरीन एटम, ठीक है, तो यहां पर बात हुई, 2 कार्बन है ये अरेंज कर दिया, 2 हाइड्रोजन है ये लीजिए अरेंज कर दिया, क्लियर हुआ, 4 फ्लोरीन है ये लीजिए, 1, 2, 3, 4 क्लियर हुआ, क्या बोल सकते हैं, 4 फ्लोरीन, टेट्रा सर, टेट्रा बोल दिया, टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो मैथ इथेन, ये लीजिए बताइए कितना हार्ड था, नहीं था हार्ड, क्लियर हुआ। एक और कर लें, चलिए अब इसका आप करेंगे, यस 114, ठीक है, 114 अगोन, अगेन C-1 कितने में से माइनस करें कि हमारा 1 आ जाए,
बताइए जल्दी जल्दी, क्लियर करें। अगेन टू, ठीक है टू आ गया। हाइड्रोजन H प्लस वन, क्या प्लस करें H में कि हमारा वन आ जाए, जीरो, जीरो सीधी सी बात, फोर हमारा फ्लोरीन है ही, ठीक है क्लियर हो गया। नाउ अब दो कार्बन है ये बना दिया दो कार्बन, ठीक है चार फ्लोरीन है ये बना दिया चार फ्लोरीन, ठीक है पांचवा रूल याद रखिए कि जो चीज खाली रह गई वहां पर क्लोरीन आ जाएगा, ये क्लोरीन आ गया। तो अब बताइए नाम, अब होगा नाम इसका डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्यों बोला, डाइक्लोरो इसलिए बोला क्योंकि सी पहले आता है एफ से, ठीक है डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो मैथैथ इथेन, दो कार्बन है इथेन, था क्या टिपिकल, नहीं था, हो गया सॉल्व। बहुत सिंपल, बहुत आसान था क्वेश्चन, डरना नहीं है, सब चीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन इज एब्सेंट इन एग्स, कौन सा वाटर सॉल्यूबल हमारा मेनली कौन सा विटामिन होता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि विटामिन क्या है, जो हमारी ग्रोथ, वाइटम मतलब इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है सबसे पहले दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल को आप कैसे याद करेंगे वो भी बताऊंगा, पर यहां पर विटामिंस इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नाउ चलिए, विटामिन हमारा फैट सॉल्यूबल होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं फैट और यहां पर वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, बड़ा बड़ा फैट सॉल्यूबल में ए डी ई और के, अधिक इज वेरी फैटी, अधिक, अधिक इज वेरी फैटी, तो इसका मतलब ए विटामिन ए डी विटामिन ई और विटामिन के हमारा फैट सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल कौन कौन सा, डब्ल्यू सॉरी बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, तो इसको कैसे याद करेंगे, डब्ल्यू बी सी, हो गया क्लियर ट्रिक से। सो अब सी यहां पर बोला गया है, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड हमारा कौन सा होता है, विटामिन सी होता है, तो क्या बोला गया, वॉटर सॉल्यूबल विटामिन इज एब्सेंट इन एग्स, वॉटर सॉल्यूबल यस, तो वॉटर सॉल्यूबल कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर हुआ। यहां पर अब विटामिन की डिस्कस करते हैं, चलिए विटामिन, अब मैं देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और यहां पर सारे विटामिन का आप क्लियर करिएगा। सबसे पहले विटामिन पढ़ने वाले हैं कौन सा, देखिए मैंने जैसे कि बताया पहले फैट सॉल्यूबल, दूसरा होगा हमारा वॉटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में हमारा कौन कौन सा है, सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन एंड विटामिन के, ठीक है ये चार विटामिन्स। ना उसके बाद वाटर सॉल्यूबल फर्दर डिवाइड किया गया है नॉन बी कॉम्प्लेक्स में और बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी होगा जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो बोला गया, ठीक है। नाउ दी हेमोपोएटिक, अगेन बी कॉम्प्लेक्स को दो में, हेमोपोएटिक एंड एनर्जी रिलीजिंग में, ठीक है हेमोपोएटिक में क्या है, सबसे पहले फॉलिक एसिड जिसको हम बी नाइन बोलते हैं, ठीक है और बी ट्वेल्व साइनोकोबालामीन, ठीक है क्लियर हुआ हेमोपोएटिक में। अब एनर्जी रिलीजिंग में सबसे पहला होगा हमारा थायामीन जिसको बी वन बोला गया और मेनली राइबोफ्लेविन बी टू बोला गया, नियासिन बी थ्री बोला गया एंड पेंटोथिनिक एसिड बी फाइव बोला गया एंड पाइरिडॉक्सिन बी सिक्स बोला गया एंड बायोटिन बी सेवन बोला गया, ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग बात क्वेश्चन में क्या पूछा था याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अगेन बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्स इज नॉट यूज्ड इन लिपस्टिक प्रिपरेशन, अगेन कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन आ गया है, फॉर्मुलेशन से, ठीक है। इसमें बोला गया कि कौन सी तरह की वैक्स यूज नहीं होती, देखिए मैं अगर आपसे बात करूं, आपने पढ़ा भी होगा, सर्फेक्टेंट भी पढ़ा होगा, तो सर्फेक्टेंट में आपने एक वर्ड जरूर देखा होगा सेट्रीमाइड, क्योंकि व्हाइट बीग्स वैक्स यूज होती है, कैंडिला वैक्स, ओजोक्राइट वैक्स यूज होती है, ठीक है। सेट्रीमाइड हमारा होता है कॉस्मेटिक्स में यूज, पर लिपस्टिक्स पे नहीं यूज होता क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, ठीक है क्लियर हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज सेट्रीमाइड इमल्सिफाइंग वैक्स, ठीक है चीजें क्लियर। अब देखिए लिपस्टिक प्रिपरेशन का हम थोड़ा सा फॉर्मुलेशन बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे लिपस्टिक होता क्या है। इट इज द मोल्डेड स्टिक कंपोज्ड ऑफ कलरिंग मटेरियल्स डिस्पेस्ड इन अ ब्लेंड ऑफ फैटी बेसिस, ठीक है। अब फॉर्मुलेशन की बात करें, बेसिस वैक्सेस, ठीक है देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, केवल तीन से चार चीजें मैं बात करने वाला हूं यहां पर, आपको ये चीज याद रखिएगा,
वैक्स की, ठीक है, डिजायर्ड मेल्टिंग पॉइंट विस्कोसिटी हमें मेनली वैक्सेस हेल्प करती हैं। नाउ फॉर्मुलेशन का और बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, पर जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ब्रोमो मिक्सचर आपको पढ़ना है, कलर मिक्सचर, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवर्स, ठीक है। ब्रोमो मिक्सचर क्या है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज हैविंग हाई स्टेनिंग प्रॉपर्टीज डिजायर्ड ब्रोमो एसिड लाइक टेट्रा ब्रोमो फ्लोरेसेंस इज यूज्ड, ठीक है। कलर मिक्सचर ये भी आपको याद रखना, TiO2 यूज होता है टू मॉडिफाई द शेड्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट BHA, BST, प्रोपाइल गैलेट, एंड फ्लेवर्स में टू मास्क द फैटी ऑर्डर ऑफ द बेस, जो बेसिस होते हैं उसमें थोड़ा सा स्मेल हो जाती है तो उसको मास्क करने के लिए हम फ्लेवर जरूर डालते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी, समझ में आ गया होगा क्या है एक्चुअली स्प्रिंटेड और यहां पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम आ चुका है, डोंट वरी, डरना नहीं है, मेहनत करना है। सो स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।